Hello dear children, this is the video of lesson 2, The Clever Birbal. In this video, we will discuss question answers with back exercise. And this is of class 4th Ratna Sagar publication, Living English. And yes guys, ये आपका video का second part है. क्योंकि first part में मैंने आपका ये chapter जो है वो आपको अच्छे से समझा दिया है. जो कि first part आप इसकी playlist में जा करके देख सकते हैं. अब हम करेंगे इसका second part जिसमें हम करेंगे question answers. और इसके साथ ही last में मैं आपको करवाऊंगी इसके comprehension, साथ ही साथ इसके question answers भी. ठीक है, जो comprehension में question answers दिए हुए हैं वो भी आपको साथ में करवाऊंगी. ये आपके समरी जो मोस्टली स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होती है कि भी चैप्टर की समरी क्या है. ये समरी मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में भी डाल दी है और इसमें भी डाल दी है, तो आप इसको लिख सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो. नेक्स्ट आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस जो वो फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सा सेकंड पे आएगा, थर्ड पे, फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे, सेवन पे. ये मैंने नंबरिंग इनके सामने डाल दी, आप अपने बुक में एज इट इज लिख सकते हो. ऐसा करने से आपकी स्टोरी जो वो कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बी, दैट इज क्वेश्चन आंसर एंड इट इज द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द स्क्राइब ऑफन टेल हिज वाइफ. जो स्क्राइब था वो हमेशा अपनी वाइफ को क्या कहा करता था, अपनी वाइफ को हमेशा क्या कहता था कि देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में से लाइन उठानी है. द स्क्राइब ओपन, अब क्योंकि डिड दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे टेल का, टोल्ड कर देंगे. द स्क्राइब ओपन टोल्ड हिज वाइफ, क्या कहता था, दैट दे मस्ट नॉट बोरो मनी, उनको कभी भी पैसा उधार नहीं लेना चाहिए. फ्रॉम द मनी लैंडर्स, किन से, जो कि पैसा उधार देते हैं. ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं, जो लालाजी लोग होते हैं, उनसे पैसा कभी उधार नहीं लेना चाहिए, साहूकार लोगों से. मनी लैंडर कौन हो गया, साहूकार होते जो बड़े बड़े लोग होते हैं. इफ दे डू, अगर उन्होंने ऐसा किया, दे विल बी रुइन, तो वो बर्बाद हो जाएंगे. अगर कभी भी किसी से पैसा उधार लिया तो कहते हैं कि उसको चुकाने के चक्कर में जो है वो बर्बाद हो जाएंगे. वो यही बात हमेशा अपनी वाइफ को बोला करता था. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द मनी लैंडर, कैसे जो है वो साहूकार, कम टू नो, उसको पता चला अबाउट द स्क्राइब्स ड्रीम, जो स्क्राइब था उसके ड्रीम, उसके सपने के बारे में मनी लैंडर को, उस साहूकार को कैसे पता चला. द स्क्राइब टोल्ड हिज वाइफ, सबसे पहले कैसे पता चला, जो स्क्राइब था जिसने सपना देखा उसने अपने ड्रीम को किसको बताया, अपनी वाइफ को बताया. किसके बारे में, अपने ड्रीम के बारे में. शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, उसकी वाइफ ने अपने फ्रेंड्स को बता दिया, उसकी फ्रेंड्स ने यही बात उनके हस्बैंड्स को बता दी, अपने हस्बैंड्स को बता दी. और इसी तरह से लाइक दिस इज स्टोरी स्प्रेड, और इसी तरह से ये स्टोरी जो वो फैलती चली गई एंड रीच्ड टू द इयर्स ऑफ द मनी लैंडर, और धीरे धीरे फैलती 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 ये उस साहूकार के कानों तक भी पहुंच गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आइडिया डिड द मनी लैंडर गेट. जब उसके पास ये न्यूज पहुंची उसके सपने वाली कि उसने किसी मनी लैंडर से जो है वो किसी साहूकार से पैसा उधार लिया है, तो मनी लैंडर के माइंड में क्या आइडिया आया, क्या आइडिया आया उसके माइंड में. द मनी लैंडर गोट एन आइडिया दैट ही विल मेक द स्क्राइब फूल. उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उस स्क्राइब को क्या करूं, मूर्ख बना दू, उसका उल्लू खींच दू. एंड विल आस्क टू रिटर्न द मनी, और उससे पूछू कि जो पैसा उसने मेरे से लिया है वो मुझे वापिस कर दे. How did Birbal help the scribe? अब बीरबल ने उस स्क्राइब की कैसे हेल्प की. बीरबल ब्रोट अ 100 gold coins. बीरबल ने क्या किया, उसने hundreds of gold coins वो लेके आया and placed a large mirror in front of them. और उन gold coins के सामने उसने क्या किया, एक बड़ा सा मिरर उनके सामने रख दिया. He said to the money lender, उसने money lender को कहा that he may take all the coins, कि वो सारे वो coins ले सकता है जो कि उसमें मिरर में उसको दिखाई दे रहा है. मतलब अगर तुम्हें पैसे चाहिए, अपने coins चाहिए, तो तुम मिरर में से जो है इनको ले सकते हो. तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि मिरर में, मिरर के अंदर से जो है वो पैसे ले सके. ठीक है, तो अब उसको एक सबक सीखने को मिलता है, उसको एक मैसेज सीखने को मिलता है. वो क्या है, व्हाट लेसन डिड द मनी लैंडर लर्न, किस, क्या क्या मैसेज उसने सीखा अपनी लाइफ में, क्या क्या मोरल उसके सामने आया इन द एंड, इस स्टोरी के एंड में. तो जो मनी लैंडर होता है उसको एक सबक सीखने को मिलता है इन द एंड. एंड में वो क्या है, दैट ही विल नेवर ट्राई टू चीट एनीवन एल्स अगेन, कि वो कभी भी किसी को भी अपनी लाइफ में
चीट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। नेक्स्ट आपका सी पार्ट। सी पार्ट में आपके फिर से क्या दिया हुआ, दीज लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक लाइन दी हुई है जिसे बट इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, आपको ये लाइन दी हुई है। इसी लाइन के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये शब्द किसने किसको कहे। ये जो फर्स्ट लाइन आपको गिवन है, ये लाइन किसने किसको कही थी, स्क्राइब ने कही थी ना अपनी वाइफ को, सेड दीज वर्ड्स टू द मनी लेंडर। ठीक है, तो ये क्या है, जो स्क्राइब और उसकी वाइफ थी उसने ये वर्ड, उन दोनों ने ये वर्ड्स किसको कहे थे, मनी लैंडर को कहे थे। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्रीम अबाउट, किस बारे में था उसका ड्रीम। तो ड्रीम जो था वो किसके बारे में था, टू बोरो ऑफ 100 coins मनी। उसने ड्रीम में क्या देखा था कि उसने हंड्रेड ऑफ क्वाइन जो है वो मनी लैंडर से ले लिए हैं, तो ये उसने सपने में देखा था। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्टोरी ऑफ द ड्रीम स्प्रेड अक्रॉस आगरा। ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कैसे जो स्टोरी जो यहाँ पर स्प्रेड हुई, तो मैंने वही सेम लिखा है जैसे स्क्राइब ने अपनी वाइफ को कहा अपने ड्रीम के बारे में, फिर उसने अपने फ्रेंड्स को बताया, उसके उनके जो फ्रेंड्स थी उन्होंने अपने हस्बैंड्स को बता दिया, और इसी तरह से एक कम्युनिकेटिव चेन बन गई जिससे कि मतलब कम्युनिकेशन बढ़ता ही चला गया लोगों के बीच में, और इसी वजह से जो है वो न्यूज पूरे आगरा में फैल जाती है। नेक्स्ट आपका सेकेंड, सी का ही सेकेंड पार्ट, सेकेंड लाइन आपको गिवन है, आई विल हेल्प यू। तो हु एग्रीड टू हेल्प हुम, किसके लिए कौन हेल्प करने के लिए रेडी हुआ, तो बीरबल एग्रीड हुआ था हेल्प करने के लिए स्क्राइब की। हाउ डिड द स्पीकर हेल्प, स्पीकर जो उसने उसकी कैसे हेल्प की। अब यहाँ पर स्पीकर कौन है, बीरबल है, तो बीरबल ने कैसे हेल्प की, बीरबल कॉल द मनी लैंडर, बीरबल जो है वो मनी लैंडर को साहूकार को बुलाता है, एंड प्लेस्ड अ ह्यूज मिरर, और एक बड़ा सा मिरर जो है उस गोल्ड क्वाइन के सामने, उन गोल्ड क्वाइंस के सामने रख देता है, और बीरबल जो है बोलता है, किसको बोलता है, ही मे टेक ऑल द क्वाइंस इन द मिरर, कि साहूकार को बोलता है, मनी लैंडर को बोलता है कि जितने भी क्वाइंस तुम इनको मिरर में देख रहे हो तुम इनको ले सकते हो। लेकिन कैसे ले सकता था, क्योंकि वो तो मिरर था। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट हेल्प, उस हेल्प का क्या रिजल्ट निकला, कि जो मनी लैंडर है उसको एहसास हो गया, रियलाइज्ड हुआ, एहसास हुआ अपनी गलती का, एंड नेवर ट्राइड, और कभी भी उसने कोशिश नहीं की टू चीट एनीवन एल्स अगेन, दोबारा से। अब आपके दो या तीन क्वेश्चन तो ऐसे जो है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। नेक्स्ट आपका आता है डी पार्ट। अब डी पार्ट में आपने क्या करना है, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए, ये वाले पोअर, ग्रीडी, रिच, ऑनेस्ट, सिंपल, कनिंग, ये वर्ड्स आपने ये बताने के, ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो स्क्राइब के लिए सही हैं या मनी लैंडर के लिए सही है। जो स्क्राइब के लिए सही है तो आपको उसका रीजन भी बताना है कि क्यों आपने ऐसा बोला। जैसे मैंने स्क्राइब को बोला कि वो पुअर मैन था, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही कम पैसा कमाता था तो वो पुअर हुआ। ठीक है, फिर ग्रीडी कौन है, यहाँ पर आपको पता कि मनी लैंडर जो वो ग्रीडी मैन था, क्यों था, क्योंकि उसने क्लेम कर दिया था, वो लालची इसलिए था क्योंकि उसने क्लेम किया था, दावा कर दिया था कि जो स्क्राइब है उसने उससे पैसे उधार लिए हैं। अब रिच, रिच कौन था, ऑब्वियसली मनी लैंडर ही रिच था, तो ही वॉज रिच, वो क्यों था, क्योंकि वो लोगों को पैसे उधार देता था। फिर ऑनेस्ट आ जाता है, ऑनेस्ट कौन था, स्क्राइब जो था वो ऑनेस्ट भी था और सिंपल भी था, क्यों, क्योंकि वो कभी भी किसी से पैसे उधार नहीं लेता था, ना ही कभी किसी को धोखा देता था। नेक्स्ट आपका सिंपल, तो मैंने इसका बताई दिया। फिर कनिंग, कनिंग कौन था, यहाँ पर आपको पता है कि कनिंग यहाँ पर मनी लैंडर ही था, तो मनी लैंडर वाली लाइन में मनी लैंडर के सारे फीचर्स लिख दो, जैसे कि ही वॉज कनिंग, क्योंकि ही क्लेम, क्योंकि उसने जो है सपने में देखे हुए पैसे जो है उससे मांगने के लिए कोशिश की थी। तो मनी लैंडर का मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्राइब का ऊपर लिखा है। इस तरह से आप इन एडजेक्टिव्स को यूज करके इनके सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। अब आपको मैचेस करने हैं। एज लाइट एज, कितना हल्का, फीदर, बिल्कुल पंख की तरह हल्का। एज फ्री एज, बिल्कुल आजाद, किसकी तरह, बर्ड्स की तरह। एज वाइट एज, कितना वाइट, स्नो की तरह। एज जेंटल एज अ लैम, इतना शरीफ जितना कि लैम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक पजल दिया हुआ है जिसको आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब डाउन से या डाउन या अक्रॉस में किस तरह से आपके क्या वर्ड्स बने हुए यहाँ पर लिखे हुए, आप इनको यहाँ पे अपने बुक में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फिर से कुछ, आपको क्या करना है, दीज वर्ड्स को अलाउड, मतलब काफी लाउडली आपको रीड करना है, और ये बताना है कि कौन से अल्फाबेट का प्रोनंसिएशन आप यूज नहीं कर रहे, मींस कौन सा जो अल्फाबेट है वो साइलेंट है। ठीक है, कौन सा लेटर साइलेंट है, जैसे इसको बोलते हैं काम, काम, काम में एल की साउंड नहीं आ रही तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। काफ, काफ में भी एल की साउंड नहीं आ रही तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। ओनेस्ट, ओनेस्ट में एच की साउंड नहीं आती,
एच को अंडरलाइन कर देंगे. साइन, साइन में जी साइलेंट है. जैसे नो में, जब वो नो नो में देखो ना, डब्ल्यू भी साइलेंट है और के भी साइलेंट है. नाइफ में के साइलेंट है. रैप में डब्ल्यू साइलेंट है. प्लेज में प्लेज डी साइलेंट है और ब्रीज में डी साइलेंट है. तो इस तरह से हमने इसको अंडरलाइन ही करना है. नेक्स्ट आपको जो है वो जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उनका सेंटेंस फ्रेम करेंगे. जैसे चेयर पर्सन और ये चेस्टनट, फिर चिल्ड्रन और चॉकलेट. इस तरह से जो है आपने इसको बताना है कि डिक्शनरी में आपको वर्ड्स दिए हुए, आपने इनका क्या करना है कि पहले नंबर पे कौन सा. देखो डिक्शनरी में आपने सबको पता नहीं कि सबसे पहले ए अल्फाबेट वाले आते, फिर बी सी डी इस सीक्वेंस में आते हैं. तो सिमिलरली जो डिक्शनरी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा पहले आता है. जैसे चेयरमैन जो पहले आएगा क्योंकि सी एच दिया हुआ है, सी एच के बाद ए है, इसमें सी एच के बाद ई दिया हुआ तो सेकेंड नंबर पे, सी एच के बाद आई दिया हुआ तो थर्ड नंबर पे, सी एच के बाद ओ दिया हुआ तो फोर्थ नंबर. मतलब आपने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा वर्ड पहले आता है कौन सा बाद में. तो आप इनको कर सकते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन, पोजेसिव फॉर्म्स, प्लूरल और पोजेसिव फॉर्म, इस तरह से आपको बताने की कैसे. देखो वुल्फ नाउन है, अगर आप पोजेसिव लगाओगे तो पोजेसिव का मतलब क्या होता है, ये ऊपर जो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना इसको बोलते हो, साथ में एस लगाना. फिर प्लूरल क्या होता है, आप इसको कैसे एस लगाओगे, ईएस लगाओगे, वीईएस लगाओगे, ठीक है. फिर पोजेसिव फॉर्म फिर से क्या होती है कि अगर वुल्व्स है तो आपने इसको कैसे जो वो लिखा है. तो देखो जैसे वुल्फ का वुल्व्स लिख दिया, बॉय का बॉयज एपोस्ट्रोफी एस लगा के, डॉक्टर का डॉक्टर्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के, स्टूडेंट का एपोस्ट्रोफी लगा करके, ठीक है, और काफ का भी ऐसे लगा के, चाइल्ड का भी ऐसे लगाए, ठीक है. बॉयज, अब देखो यहाँ पर क्योंकि प्लूरल दे दिया, प्लूरल में जहां पर एस की साउंड आती है ना, तो हम उसके सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे और बोलेंगे वुल्व्स, बॉयज, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, काव्स, ठीक है, और चिल्ड्रंस, ठीक है. तो ये हमने क्या करना है, हम इसके बाद में जो है एपोस्ट्रोफी जो साइन वो लगाते हैं. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि आपने क्या करना है, द रोर, हाँ जी इससे पहले भी शायद कुछ था, हाँ ये दिया हुआ है. रिप्लेस करना है अंडरलाइन वर्ड्स को विद द पोजेसिव फॉर्म के अंदर, ठीक है. मतलब एपोस्ट्रोफी ऐसा आपने यहाँ पर लगाना है, जैसे द हैट ऑफ द वीमेन को क्या लिखेंगे, द वीमेन्स हैट, तो वीमेन के बाद ही एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगाएंगे. इसी तरह से आपने यहाँ पर इनका भी करना है कि द रोर ऑफ द टाइगर क्या लिखेंगे, द टाइगर्स रोर, तो टाइगर के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के रोर. मतलब जो अंडरलाइन है उनको आपने एपोस्ट्रोफी लगा के यूज करना है और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका सेम रहेगा. जैसे द कार बिलोंगिंग टू हैरी, तो क्या करेंगे, हैरीज कार, ठीक है. नेक्स्ट है आई सो द नेस्ट ऑफ द टेलर बर्ड, तो टेलर बर्ड का जो है वो है, तो क्या करेंगे, आई सो अ टेलर बर्ड्स नेस्ट, तो एपोस्ट्रोफी लगा के यूज करेंगे. ऐसे यहाँ पर फेरीज है, उसके बाद आपको एपोस्ट्रोफी लगाना, लेकिन पीछे एस नहीं लगाएंगे अब यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसमें जो फेरीज है ऑलरेडी प्लूरल है और एस लगा हुआ है, ठीक है. तो इसके बाद दोबारा से आप एस नहीं लगाएंगे, आप इसको ऐसे अपने बुक में कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका है फिर से मैचेस है, इनको आपने मैच करना है, ठीक है. जैसे मैचेस करना और इनके पोजेसिव फॉर्म लिखने से द स्क्राइब ड्रीम, आप इसको कैसे लिखेंगे, द स्क्राइब स्क्राइब्स ड्रीम, कैसे लिखोगे आप इसका, ठीक है. तो यहाँ पर द स्क्राइब्स ड्रीम आप कैसे लिखोगे, जैसे ये लिखा हुआ है देखो इसके सामने ही, द स्क्राइब्स ड्रीम एपोस्ट्रोफी एस लगा के. फिर द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म, तो कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म, द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एपोस्ट्रोफी. मतलब इसमें आपने ठीक करना है कि कहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जैसे रस्किन बॉन्ड, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस है, यहाँ पर द बर्ड है एपोस्ट्रोफी एस है, लॉयंस है एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है, जो गार्डनर है उसका भी एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर यूज करेंगे. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिर आपको किसी बेस पे आपको ये बताने की क्या काम आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है. वी मस्ट टेक केयर नॉट टू हर्ट एनीवन, हमें किसी को भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें सबकी केयर करनी चाहिए. तो आप अपने क्लासमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे कि कैसे जो है कौन से वर्ड्स उसको बोलने चाहिए, ठीक है. तो जो मतलब पोलाइट होते हैं, काइंड होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं यस के लिए, जो अनकाइंड होते हैं उनको बोलेंगे नो. तो आप यहाँ पर यस और नो लिख सकते हैं, या फिर टिक टिक या फिर क्रॉस भी यहाँ पर लगा सकते हैं. फिर इसने कहा कि सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, जैसे वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन, हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज इट कैन हर्ट द पीपल, इससे लोगों को दुख पहुंचता है, एंड डीमोटिवेट देम, और लोग जो डीमोटिवेट हो जाते हैं. वी शुड स्पीक काइंड, हमें बहुत ही काइंडली बोलना चाहिए, पोलाइट वर्ड्स जो है उनके साथ बोलने चाहिए, ठीक है.
नेक्स्ट अब आपके टर्न आती है कॉम्प्रिहेंशन की, जो कि ये पैसेज पूरा रीड करने के बाद उसके बाद आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको आप अपने बुक में फेल कर सकते हैं। इसे ट्रू फॉल्स दिए हैं तो पहले ट्रू आपके फॉल्स हैं, फिर आपका ट्रू है, इसके बाद डिफरेंट, ग्लूम और लाइट ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर का सॉल्यूशन। आपके बुक के मोस्टली चैप्टर जो है अपलोड होने वाले हैं, आप उनके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यस, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियोस आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच।